चुकी है रणभेरी, अब होने वाला है शंखनाद, बीत रही है चुनावी बिसात, किस करवट बैठेगा सियासत का ऊंट, नेता नहीं जनता करेगी तय, किसको बनाएगी अपना सरताज, चुनाव से पहले चुनाव की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका चंबल तक में, और इस वक्त हम मौजूद हैं ग्राम पंचायत विजयपुरा के हंसपुरा गांव में। यहां पर हमारा एक खास प्रोग्राम है चुनावी चर्चा। मध्य प्रदेश में वर्ष 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं, सभी पार्टियों ने अपनी अपनी कमर कस ली है। वर्तमान में यहाँ विधायक ओपीएस भदौरिया, जो कि विधायक ही नहीं राज्य मंत्री भी हैं, और उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र में हम आए हुए हैं। यहाँ के जो लोग बैठे हुए हैं, यहाँ के लोगों से जानकारी लेंगे और चर्चा करेंगे कि आगामी चुनाव है, किसको आप वोट देंगे, किसको नहीं देंगे, वर्तमान मंत्री ने क्या विकास किया है, आगे आप लोगों क्या मुद्दे रहेंगे। तो इस वक्त हमारे साथ हंसपुरा के ग्रामीण मौजूद है, इनसे हम जानकारी चाहेंगे कि आप किस पार्टी को चाहते हो, किस पार्टी ने, क्या नाम है आपका? गुड्डू भदौरिया। क्या चाहते हो आने वाले समय में? बीजेपी। क्यों, क्या क्या अभी विकास किया इसने? शुरू से ही मुद्दा अच्छा किया उन्होंने। कैसे, जैसे कोई मुद्दा? जैसे कि कोरोना काल में भी उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया था। और जितने भी मतलब गरीबों की स्थिति खराब चल रही थी, उनका विकास किया था मोदी जी का, बहुत एहसान मंद है। प्रत्याशी के रूप में किसे देखना चाहेंगे? ठीक है, अपना यही सही है हमारा, तो ओपीएस भदौरिया विधायक ने अभी कुछ नहीं किया गांव-गांव में, हंसपुरा में भी। ठीक है, तो क्या समस्या है आप लोगों की, यहाँ क्या विकास नहीं कर पाए हैं वो आप जो चाह रहे हैं? एक तो रोड का दे दीजिए, नाली जरिए, नाली नहीं करवा पा रही है, पानी की व्यवस्था बिन्ने कुछ नहीं किए 8 साल में। पार्टी कैसी लगी भारतीय जनता पार्टी आपको? जनता पार्टी ठीक लगी। तो आप किसे आगे वाले, अभी चुनाव है हाल ही में, 2-3 महीने बाद है, तो किसे आप चाह रहे हो? जो काम करेंगे ताको हम चाहेंगे। इसी कड़ी में हमारे साथ कुछ और भी लोग जुड़े हुए हैं, इनसे भी जानकारी चाहेंगे, क्या नाम है इनका पहले जानकारी चाहेंगे और क्या मुद्दे हैं कुछ आप, क्या नाम है आपका? पुष्पेंद्र सिंह भदौरिया। आने वाले हैं 2023 में लास्ट में चुनाव होने हैं, तो आप किस तरह के मुद्दे आपके गाँव के, तो आप किस तरह के वोट करेंगे? वोट करेंगे जो कैंडिडेट ही किसी में चले बगा नहीं है। क्यों, क्या समस्या है? 5 साल में कुछ नहीं की जाए तो हो गई, कुछ नहीं की जाए इसने, हाँ कुछ नहीं किया इस विधायक ने, कुछ नहीं किया मंत्री पद हो गया। क्या 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 आपके गांव की जो बहुत एक समस्या क्या है? सड़कें डली है अधूरी, पानी की व्यवस्था खराब है, खेतों में आदमी धसके जा रहा है, और क्या बताएं आपको, शौचालय शौचालय सभी व्यवस्थाएं खराब है। यहाँ पर कौन सी बहुत एक समस्या है और जिनको लेकर आप लोग वहाँ कभी उनसे मिले मंत्री जी से? मंत्री जी से एक बार नहीं, कम से कम 100 बार उन्हें तो बंगले पे हुआ है। क्या आश्वासन दे देते हैं वो? कुछ नहीं, मैं तो मंत्री जी मिलते ही नहीं है, उन्हें तो पीए मिलते हैं। तो आप आने वाले चुनाव क्या चाह रहे हो? आने वाले चुनाव में कोई अच्छा योगी जी वो होगा उसको वोट करेंगे हम, इनको तो करेंगे नहीं। पार्टी कौन सी, भाजपा या कांग्रेस? अब कोई भी पार्टी आ रहा है, सुन लेंगे, कैंडिडेट अगर बीजेपी का जाता है तो उसी को वोट करेंगे हम, तो मोदी जी सही आदमी। भाजपा सरकार ने तो बता रहे हैं काफी कार्य किए हैं, उनके द्वारा भी महिलाओं के लिए हाल ही में एक योजना लागू की है, 1000 रुपए जो कि लाडली बहना योजना है, उस पर भी आपका क्या? अरे तो मोदी जी तो सब स्कीम दे रहे हैं, पर ये बीजेपी का ये विधायक लोग तो नहीं कर रहे हैं। इस हमारी जो वीडियो है, जो चैनल के सारे जो मंत्री जी के पास पहुंचेंगे वो भी देखेंगे, उनके लिए विशेष समस्याओं के बारे में, और उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? उनसे हम ये कहना चाहते हैं कि कोई कैंडिडेट इसी विधानसभा क्षेत्र में कोई नया उतारो, नहीं नदियां डूब जाएगी। इतनी नाराजगी है यहाँ पर जो कि ग्राम हंसपुरा है, और हमारे साथ एक बुजुर्ग भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम जानकारी लेते। क्या नाम है दादा आपका? फूल सिंह। कहाँ के रहने वाले हो? हंसपुरा के। क्या कुछ समस्या है आपकी? श्रीमान जी आप गाँव में 11 आदमियों के हाथ पांव टूट चुके, सड़कें रोड़ें बिल्कुल ऐसी हैं, रपट के गिर जाते हैं। आप इस चीज को देख लें आके कि 6 आदमियों को यहाँ हाथ पैर टूटे हुए हैं, निकल नहीं पाते हैं, खेतों में पानी भरा हुआ है, हाल में आदमी पहुंच नहीं पाता है। अब बताओ हम क्या करें, मर जाएं क्या? और मंत्री हो करके जब इतना काम नहीं करा सकते हो, तो जी बताओ हम क्या कर सकते हैं? कौन सी सरकार चाह रहे हो आगे? आगे सरकार तो जो आप अच्छी होगी उसे ही चाहेंगे अब तो। चलो आप बताइए कि आप कौन से गांव के निवासी हो? यही हंसपुरा के। हंसपुरा चुनाव आने वाला है तो किसे वोट करेंगे आप? विकास तो को आदमी अच्छा हो तो बाको वोट करेंगे, और कहा है भाजपा के द्वारा संतुष्ट नहीं है कार्य से?
अरे भाजपा हो या कांग्रेस हो मतलब बात से मतलब नहीं है, जो आदमी सही होगा। क्या कमी रही यहाँ के क्षेत्रीय विधायक में? सीधा कमो और ना मंत्री पद बैठे बनी गए हैं, कमो चक्कर लगाए काउ नहीं आए गए, वोट मांगे वे काजी आ जाए चुनाव आ जाए तो आ जाए। ओके कौन सी आ गई यहाँ भौतिक समस्या है? सिर्फ समस्या आएंगी है, आप आदमी खेत पे नहीं पहुंच पाए रहा मतलब है, आठ घंटा लाइट मिलते है मतलब आदमी को कागर मोड़ी मोड़ना मान लेना। समस्या को लेकर कभी मंत्री जी को अवगत कराया? अरे मिले तब करवा अवगत, मैंने मिलते ही ना, मिलते नहीं कभी भी नहीं मिलते। जी करीब हमारे साथ एक भी लोग जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम जानकारी लेते हैं। क्या नाम है आपका? पूरन सिंह। कौन सा गाँव है यार? जय हंसपुरा। हंसपुरा गाँव आपका, तो चुनाव आने वाला है, किसे वोट करेंगे? यहाँ जात पत्र का चुनाव था, ब्राह्मणों को मिलेगा दो को एक, ब्राह्मण जी दिया है वो जात पत्र चुनाव भदौरी मिलेगा दो तो एक भदौरी आ गया है, जात पत्र चुनाव यहाँ पार्टी वाल्टी को चुनेंगे। आप किसे देंगे? हमारे तो जाएगा मोदी को दे देंगे। नहीं अभी आप कह रहे जाति ऊपर वोट चल रहा है, आप मोदी को क्यों वोट करो? वोट नो कर रहा है कि नहीं जात से पीछे जो आगे बिन दो भदौरी दे रहा तो फिर बाप देता ही काम तो हार ही जाएगा, दो आधे आधे जाएंगे और दो ब्राह्मण है तो भाई साहब तो वोट दो जाएगा बुढ़ापा है साहब। अरे मोदी तो दो 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 पार्टी में दो भदौरिया गए, मैं तहसील में खड़े हो गए तो हार ही जाएंगे, एक जीता है तो भाई बुढ़ जाओ जाए वो। मोदी से आप लोगों संतुष्ट हैं? मोदी सज तो क्या मोदी के लिए बहुत खेती है, खेती का वो पैसा दे रहे हैं और कहना मेलन को दे रहे हैं, बहुत कर रहे हैं लोग और उनसे भी जानकारी लेंगे। क्या नाम है आपका? जगमोहन सिंह। चुनाव आने वाला है जी, वोट करेंगे? चुनाव आने वाला है, सपोर्ट तो भाजपा को ही करना है हम लोगों को, क्योंकि एक मिनट चुपचाप, क्योंकि भाजपा जो है वही विकास कर सकती है और किसी पार्टी में शक्ति नहीं है, ना विकास करने योग्य है, ना कोई नेता है। इस भाजपा के ही अंदर एक इतने ऐसे नेता हैं जो विकास कर सकते हैं। मोदी जी ने जितना विकास किया है उतना आज तक इतने प्रधानमंत्री हो चुके किसी ने भी विकास नहीं किया। तो आपका निर्णय ये है कि भारतीय जनता पार्टी को? भारतीय जनता पार्टी को प्रत्येक जन सदस्य को वोट देना अनिवार्य है। इसी कड़ी में हमारे साथ कुछ युवा भी है, उनसे भी हम जानकारी लेंगे। खड़े हो जाइए आप। क्या नाम है आपका? राम निवास सिंह। आने वाला है अभी लास्ट 2023 में चुनाव होना है, किसे वोट करेंगे? वैसे तो देखो हम 20 साल से बीजेपी के साथ ही रहते हैं, बीजेपी को ही सपोर्ट करते हैं, उसी को वोट करते हैं, अभी बीजेपी को अभी हाल में सपोर्ट ही कर रहे हैं। पर ये है कि बीजेपी की नीति रीति तो अच्छी है, काम भी अच्छे करते हैं, ऐसी बात नहीं है। थोड़े गांव वाले असंतुष्ट हैं हमारे मंत्री जी से, क्या है कि मंत्री जी ने थोड़ा ध्यान नहीं दिया हमारे गांव पे, थोड़ा ध्यान देते अगर तो ये लोगों में संतुष्टि नहीं होती। किस तरह का ध्यान, जैसे क्या समस्या रही है? थोड़ी समस्या पानी की समस्या ने थोड़ी ज्यादा है कि गांव का पानी निकलने की बहुत समस्या है, एक रोड़ों पे देखो पानी चल रहा है, रोड़ों पे पानी निकल रहा है, गांव में नाली की सबसे बड़ी समस्या है, पानी नहीं निकल रहा है गांव का सबसे बड़ी। इस संबंध में कभी आप लोगों ने मंत्री जी से मुलाकात की कि भाई इतनी पूरे गांव की समस्या है, इसका किसी भी प्रकार से निराकरण किया जाए? नहीं हाँ इसकी चर्चा की थी उनसे हमने, उनके भतीजे रिंकू भाई साहब उनसे भी बात की थी, लेकिन क्या है कुछ लोग दलाल लगे हुए हैं, वो काम नहीं होते देते, समझ रहे? वो विकास वो के नाम पे वो लोग अड़चन लाते हैं कि लड़ाई होगी, वहाँ गांव में जाओगे तो विवाद होगा, ये काम नहीं हो पाएगा, मतलब यहाँ वहां तक बना देते हैं बातें कि वो सोच ही नहीं पाते आगे कि हाँ हम करवाए ये काम कि नहीं करवाए। यानी मंत्री जी से आप संतुष्ट हैं हो के नहीं? मंत्री ऐसा सज्जन ही आदमी नहीं आपको कहीं मिलेगा, इतना सज्जन आदमी है जो आज दिन तक इस क्षेत्र में मिला ही नहीं है किसी को, कोई भी चला जाए बाह पकड़ के बुला ले आ जाओ इधर खड़े हो जाओ उधर खड़े हो जाएंगे, हाँ साहब बताओ क्या कहना। मंत्री जी खराब आदमी नहीं है, कुछ लोग खराब है जो वहां पे जुड़े हुए जो उनकी दलाली कर रहा है, बस वो उनको करवाने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी की मंत्री ऐसा सज्जन आदमी तो तुमको आज दिन तक नहीं मिला होगा, तुम भी हर एक कोई कह देगा आज के समय में हर जाति वाला आदमी उसकी तारीफ करेगा, आप कहीं जा चले जाइए आप कोई भी जाति वाला आदमी होगा वो भी उनकी तारीफ करेगा कि हाँ मंत्री अच्छा है। पर मंत्री जी के काम खराब नहीं है, लेकिन एक क्या है, एक तो मंत्री जी पहले कांग्रेस में थे छोड़ के बीजेपी में आए हैं, वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि बीजेपी में आए मंत्री तो बना दिए गए लेकिन उनको उस तरह से काम नहीं दिए जा रहे जैसे देना चाहिए था। यानी आपका कहना है कि मंत्री जी के साथ भेदभाव किया जा रहा है? हाँ भेदभाव किया जा रहा है, पार्टी में उन्हीं की में उनपे इतना ध्यान नहीं दिया है, उनके क्षेत्र में इतना काम ही नहीं किया, बताओ ना कितना क्या काम किया है पार्टी ने। इस तरह आपने अनुमान लगाया कि जो महाराज सिंधिया के साथ आए हैं कि उनके उनके साथ
व्यवहार ठीक नहीं किया जा रहा पार्टी के अंदर, पार्टी का सही तरीके से नहीं माना जा रहा, किस तरह आपने अनुमान? ये बात सही है कि जो पार्टी में है वो खेचातानी ज्यादा है, यहाँ पे जो पहले से बीजेपी के नेता लोग हैं, जो पहले से रहे हैं, उन लोगों की खींचातानी है, मंत्री जी की खींचातानी यहाँ पे ज्यादा है, समझ रहे? जैसे कि अब यहाँ पे आए थे शिवराज सिंह चौहान तो बोल गए थे हम वो बनवाएंगे तहसील बनवाएंगे मान में, अगर तहसील का निर्माण कार्य शुरू हो गया होता तो हमारा क्षेत्र संतुष्ट होता आज, ये बातें ही नहीं आती। पर क्या है कि तहसील का नाम ठप्पा तो रख दिया लेकिन वो काम ही शुरू नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ कि भाई फंड तो ऊपर से मिलना है ना, सरकार देगी ना फंड, मंत्री जी अपने घर से तो देंगे नहीं कि मंत्री जी अपने घर से देंगे सर, जब सरकार फंड नहीं दे रही है तो तहसील का काम कहां से शुरू हो? ये भी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है, मंत्री जी अकेले कैसे सोल्व करें? थोड़ा ये खींचतानी वाली समस्या और थोड़ा क्या है, चलिए इसमें क्या है, हमारे साथ अंशपुरा में भी कुछ लोग जुड़े होते हैं, इन लोगों की यही समस्या है। यहाँ तो एक बता रहे हैं कि जल भराव की समस्या है, नालियों की वजह से यहाँ पर जो पानी है वो भर जाता है, और कुछ युवाओं का ये कहना है कि मंत्री जी तो अपने आप में बहुत अच्छे हैं, मंत्री जी तो बहुत सज्जन व्यक्ति हैं और हर जात हर वर्ग का उन्हें वोट मिलता है, लेकिन चूंकि उनका कहना है कुछ लोगों की वजह से कोई कार्य है वो नहीं हो पा रहे हैं, और साथ ही उनका ये भी कहना है कि जो मंत्री जी हैं अभी हाल ही में कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए हैं, इसका भी एक कारण ये रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उन्हें वो तजुब नहीं दी जा रही है जो कि उन्हें मिलनी चाहिए, जो कि पुराने समय के भारतीय जनता पार्टी के जो स्थानीय नेता उनको मिलनी चाहिए, इन लोगों का कहना है। हाल ही में कुछ और लोगों से हम बात करेंगे, कुछ महिलाएं हैं हमारे साथ, उनसे भी हम जानकारी लेंगे कि उनको 1,000 रुपए जो शिवराज सिंह द्वारा दिए जा रहे हैं, कितने आपको 1,000 रुपए आपको मिलते हैं? हाँ मिलते हैं। तो किसे वोट करेंगे? शिवराज सिंह को देंगे। आपका वोट शिवराज सिंह को, यानी आपको जो 1,000 रुपए मिल रहे हैं उनसे आप संतुष्ट हैं? हमारा तो भैया चौहान तो आपका भाई है। आपको कितनी किस्त मिल चुकी है? लगभग दो, तीसरी आने को है। तीसरी माए चार पांच लोगों ने क्या रही, यानी यहाँ पर एक महिला है तो उनका कहना है कि वो अपने भाई को ही वोट करेंगी। चलिए और भी हम कुछ लोगों को देखते हैं और उनसे जानकारी लेते। क्या नाम है आपका? अजूरी सिंह जी किसे वोट करेंगे चुनाव आने वाला? चुनाव आने वाला मतलब का ना, वो हमें बताएगा मतलब का ना कौन कौन देने। नहीं अभी आपके क्या भाजपा संतुष्ट हो कि नहीं? हो भाजपा से है सर। कैसे संतुष्ट नहीं हो आप? कांग्रेस यानी आपका वोट भाजपा को रहेगा? भाजपा को। चलिए ठीक है। जो हम लोग यहाँ पर हमारा जो चर्चा चल रही थी वहीं से रोड निकली थी, वहां से निकल रहे थे, गढ़ी ग्राम के हैं, गढ़ी ग्राम पंचायत है इनकी। क्या नाम है आपका? यशवंत सिंह चौहान। चौहान साहब किसे वोट करेंगे? वोट तो बीजेपी को ही देता है रहे, तो देंगे, पर कैंडिडेट के ऊपर एक होता रहा उसको आप बांट रहे। नहीं कैंडिडेट का क्या चाहते हैं आपको? कैंडिडेट किसे कैंडिडेट चाहते हैं आप? कैंडिडेट दो ओपी को नहीं मिला तो सुकला आएगा तीसरे दे देना है, सब बात है। नहीं आपको यानी भाजपा को ही वोट देना है? वोट तो भाजपा को देता है, मैंने आज नहीं। कौन सी नीतियां हैं भाजपा की जो आपको अच्छी लगी है जिससे आप भाजपा से प्रभावित हैं? एक तो यही धर्म के ऊपर चल रही सबसे बढ़िया, तो जी के सुनाई हो रही है भाजपा में, क्योंकि भाजपा थोड़ी भ्रष्टाचारी पे कंट्रोल नहीं कर पा रही जी, सड़क गिरी, पैसे पेमेंट है गए, मरम फरम कहूं डरी नहीं पास हुए गई, शिकायत वैज्ञ को सुनाई ना भाई। यानी ये भारतीय जनता पार्टी वैसे तो भाजपा के हैं 20 साल से बता रहे हैं, 20 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं, आगे भी देंगे, लेकिन इनकी शिकायत ये है कि भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्टाचार पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है, चाहे वो ग्रामीण का भ्रष्टाचार हो, चाहे वो तहसील परिसर हो, चाहे वो जनपद पंचायत हो। और कुछ और भी युवा हमारे साथ जुड़े हुए, इनसे भी जानकारी लेते हैं कि भाजपा सरकार के द्वारा युवाओं के लिए किस तरह की रोजगार योजनाएं लागू की। क्या नाम है आपका? कौशलेंद्र सिंह भदौरिया। किसे वोट कर रहे हैं आगामी चुनाव आने वाला? बीजेपी इन कम्प्लीटली इन माय ब्लड, इन माय फैमिली ब्लड फ्रॉम लास्ट 20 to 30 years, बट देर इज सम कंसर्न रिगार्डिंग द विलेज मेंबर्स, रिगार्डिंग द रोड्स, वाटर बैरिकेड्स एंड अदर थिंग्स, बट आई विल सपोर्ट कम्प्लीटली फॉर बीजेपी बिकॉज देर इज सम वेरी गुड प्रोग्रेस फ्रॉम द प्रधानमंत्री, फ्रॉम द मुख्यमंत्री, लाइक प्रधानमंत्री योजना फॉर द किसान फॉर फार्मर्स लाइक 6,000 rupees ऑन अ ईयर, 4,000 rupees फ्रॉम द मुख्यमंत्री, और आपका अभी के हाल ही के तौर पे लाडली बहना योजना चल रही है मुख्यमंत्री से, लोग बाग महिलाएं बहुत ज्यादा खुश हैं बीजेपी से कि बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है, लोगों के यहाँ खाने पीने के लिए कुछ पैसे नहीं है तो उस टाइम पे सपोर्ट हो जाता है, उस टाइम पे बीजेपी ने हमारा गांव के लोगों को कुछ नहीं चाहिए, छोटी छोटी समस्याएं होती हैं, रोड, पानी, खाद, बिजली, तो
हमारे पिछले साल हम लोग बहुत ज्यादा उस पे खाद की परेशानी फेस कर रहे थे। हमारे ओपीएस जी ने काफी अच्छा सपोर्ट किया कि हम लोगों को प्रॉपर टाइम पे खाद मिल पाए, जिससे हमारी फसल में कुछ अच्छी तरीके से वृद्धि हो पाई। लाइक बिजली की समस्या जो हमारे यहाँ चल रही थी पहले कांग्रेस के टाइम पे, वो अभी कुछ काफी हद तक सॉल्व हो चुकी है। तो युवाओं के लिए रोजगार देर इज नो अपॉर्चुनिटी के कुछ अच्छा हुआ है विद इन लाइक लास्ट 5 ईयर 6 ईयर और अप टू 10 ईयर्स कुछ भी नहीं हुआ है युवाओं के लिए। तो युवा तो थोड़ा सा परेशान है ही है। हम चाहेंगे कि हमारे महंगाव विधानसभा और भिंड जिले में कुछ इंडस्ट्री आए, जिससे कि हमारे कुछ बेरोजगार जो युवा भाई है वो वहाँ पे अपना कार्य करके अपना कुछ घर का भरण पोषण बहुत इजीली कर पाए। तो वो थोड़ा सा है कंसर्न युवाओं के लिए, बाकी सब कुछ बीजेपी ठीक है। कुछ कंसर्न है, सभी पार्टियों से रहेंगे लोगों को और आते आते रहेंगे। थोड़ा सा मंत्री जी से लोग आपका मंत्री जी का पर्सनल व्यवहार को लेकर बहुत अच्छे से खुश है, बट कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है प्रोग्रेस को लेकर लोगों को कि भाई मंत्री जी ने पिछले 3 साल में आके कुछ इसमें विधानसभा में कुछ प्रोग्रेस नहीं किया, कुछ काम नहीं किया, उससे लेके थोड़ा सा आपका कहना ये है कि महंगा विधानसभा में पहले ही मंत्री हैं तो लोगों का भी आशाएं थी, उस तरह के खराने उतर पाए क्या? बिल्कुल, लोगों ने सपोर्ट इसीलिए किया कि हमारे यहाँ के लोकल के प्रत्याशी हैं, बहुत अच्छा काम करेंगे, बहुत अच्छा हम लोगों को कुछ नया कुछ डेवलपमेंट दिखेगा। बट यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं है पिछले 4-5 साल से, जब से मंत्री जी बने हैं। मैं ये मंत्री जी को अकेले को नहीं कहूंगा, मैं पिछले पहले जो कांग्रेस सरकार थी उसके टाइम पे जो था सेम अभी है। तो हमने मंत्री जी को अगर लाए हैं यहाँ पे तो मंत्री जी से कुछ हमारी एक्सपेक्टेशंस थी, उस पे थोड़ा सा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हैं, बाकी एवरीथिंग इज ओके फ्रॉम द बीजेपी। वोट विकास बात पर या जातिवाद पर? नहीं, प्रॉपरली विकास बात पर, जातिवाद पर कुछ नहीं है। बट मैं अपनी फैमिली में अपना पर्सनल बोलूंगा तो आई एम कम्प्लीटली फॉर द बीजेपी मेंबर, तो मैं बीजेपी को करूंगा, चाहे कोई भी प्रत्याशी नया आ जाए, आई विल वोट फॉर द बीजेपी ओनली, ना कि मैं ओपीएस जी को देखूंगा ना किसी को देखूंगा। बट मैं चाहूंगा कि हाँ ओपीएस जी फिर आए, एक बार फिर उनको मौका मिले और हम विकास चाहेंगे। ये बात है जो कि भारतीय जनता पार्टी से पूरी तरह संतुष्ट हैं, थोड़ा सा असंतुष्ट हैं। असंतुष्ट इसलिए है क्योंकि मंत्री पद के हिसाब से यहाँ के लोगों को कुछ ज्यादा आशाएं थी। उनका कहना ये है कि महंगाव में पहली बार मंत्री मिले हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा और लोगों का मंत्री के हिसाब से और भी आशाएं बढ़ जाती हैं कि हमारे क्षेत्र का विकास जिस तरह का होना चाहिए उस तरह का विकास नहीं हो पा रहा है। हालांकि इनका यह भी कहना है कि मैं विकास बात पर ही वोट करूंगा, चाहे वो यहाँ पर इनका कहना है कि मैं जातिवाद पर वोट नहीं करूंगा, मैं विकास बात पर ही वोट करूंगा, चाहे इस पार्टी से कोई भी कैंडिडेट आता है हम उसे वोट करें।